मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर आप लोगों को के स्टोनो क्लासेस में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। आज आपको प्रतिलेखन संख्या एक लिखाएंगे, पहले 60 के स्पीड में, फिर 70 के स्पीड में, फिर 80 के स्पीड में, और इसका संकेत लिपि भी इस वीडियो के साथ अटैच है और डिस्क्रिप्शन में भी अटैच है। 2 सेकेंड रुक जाइए, लिखाना प्रारंभ करते हैं। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन
यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा चेंज। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। आप 70 के स्पीड में लिखाएंगे, पेंसिल और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। 2 सेकंड में लिखाना प्रारंभ करते हैं। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का
यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज हम हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा चेंज, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपये की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है अपनी नीति के कारण, वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। अब 2 सेकंड रुक जाइए, अब 80 का स्पीड में लिखाएंगे। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, और वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तौर पर। किसी भी देश की सुरक्षा नीति
का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैराचेन, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपये की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है।